क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है? यार ये टाइटल देख के ही हमको एक चीज़ याद आती है, वो है 2016 का मीम सोनम गुप्ता बेवफा है, और ये मूवी भी उसके ऊपर ही है। तो अभी एक छोटे से इंसिडेंट के आगे पीछे इन्होंने एक कहानी बना दी है, एक ऐसी कहानी जो आप देखोगे तो आप देखने के बाद बोलोगे भाई ये क्या बना दिया आपने। लिटरली ज़ीफ़ाई हमारी भावनाओं के साथ में खेल रहा है, कुछ भी मूवी बना के देता है। मतलब जस्सी गिल और सुरभि ज्योति जैसे एक्टर्स को लेके उन्होंने क्या बना दिया, वो भी इस मूवी के अंदर कुछ नहीं कर पाए। बोलते हैं कि लाइट हार्टेड कॉमेडी है, थोड़ा ध्यान इतना देना नहीं चाहिए ऐसी मूवीज़ के ऊपर, एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा लग रहा था कि लिटरली कोई ज़बरदस्ती आपको बिठा के रख रहा है और मूवी ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसमें कुछ जोक्स थे अच्छे, लेकिन अभी कुछ जोक्स चाहिए तो उससे अच्छा मैं कपिल शर्मा का शो देख लूँ ना, उसमें बहुत सारे जोक्स होते हैं एंड एक्चुअली फ़नी होते हैं। तो जब भी आप बोल रहे हो कि भाई आप हमारा सब्सक्रिप्शन लो और हम आपको मूवीज़ देंगे, तो आप कैसी मूवीज़ बना रहे हो? आपने एक नेल पॉलिश अच्छी दी स्टार्टिंग में, फिर जीत की जिद आपने एक अच्छी सीरीज़ लेके आए, और फिर उसके बाद में गुल नामो निशान नहीं। रिसेंटली आपकी कौन सी सीरीज़ है जो आप जी फाई की याद रख सकते हो? तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, जेन्युइनली अच्छा लाना पड़ेगा। ये ऐसी जो मूवीज़ जो थिएटर में अभी रिलीज़ नहीं हुई है, रैंडमली उठा के आप लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो एंड देन पीपल हैव टू वॉच इट बिकॉज वो सब्सक्राइबर्स हैं आपके। तो गिवन अ चॉइस, जो भी देखेगा मूवी, आई थिंक सो वो मूवी के स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में ही समझ जाएगा कि भाई ये मूवी कैसी है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड कर सके। मुझे तो खैर पूरी मूवी देखनी थी क्योंकि मुझे ये रिव्यू तैयार करना था, मगर गिवन अ चांस मैं भी ये मूवी को हाफ छोड़ के ना बंद कर देता। तो मुझे तो पसंद नहीं आई ये मूवी, तो होप सो आपको लेकिन ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।